हाय फ्रेंड्स, तो ये डे 12 है हमारे 150 क्वेश्चन सीरीज़ का। तो हम आज का टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी इजी आता है, रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स भी इसके फॉलो करेंगे तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन के 5 क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है सो डू क्लिक ऑन दी बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वो रेगुलर अपडेट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ होती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए और हम आपको वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई देके आप ऑब्वियसली आपकी हेल्प करेंगे, वील असिस्ट यू। सो स्टार्टिंग विद दिस एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर, सो क्वेश्चन 56 हमारा है, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होती है, एक टीचर पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट समझ रहा है और उस स्टूडेंट को लर्निंग समझ आ रही है, उस स्टूडेंट को समझ आ रही है जो टीचर समझाना चाह रहा है। सो इफेक्टिव टीचिंग इज़ बेसिकली, हम ऑप्शंस अगर देखें, ए कहता है अ टीचर टीचेस विद एंथुजियाज्म। ऑब्वियसली अगर कोई भी टीचर आपको एंथुजियास्ट नहीं लगता है, आपको लगता है कि टीचर तो काफ़ी बोरिंग है, वो सही से पढ़ा नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका भी इंटरेस्ट बिल्डिंग नहीं होगा उस टीचर की टीचिंग्स लेने में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर कि वो एंथुजियास्ट रहे वाइल टीचिंग, जिससे कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट मेंटेन रहे उस चीज़ में और वो ढंग से टीचिंग प्रोसेस चलता रहे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो ये तो ऑब्वियसली डेफिनेटली होता ही है, टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ नहीं सही। बिकॉज अगर एक टीचर ये देखता रहेगा कि उस स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं आई वो चीज़, वो तो उसकी गलती है, वो तो मेरी गलती है ही नहीं, तो दिस थिंग डजंट वर्क इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिकॉज इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द टीचर कि वो इंश्योर करे उसके स्टूडेंट्स को उसकी बातें समझ आ रही हो और वो फीडबैक, कंटिन्यूस फीडबैक लेता रहे अपने स्टूडेंट से। तो ये चीज़ गलत है। सो हमें अपना आंसर वैसे मिल गया है, बट हम बाकी दो ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अ टीचर पुट्स एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन द क्लास कंट्रोल। तो एक टीचर का सबसे जो बेसिक एम, बेसिक मोटिव होता है क्लास में आने का, वो होता है कि वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करे, वो ट्राई करे कि उसकी टीचिंग्स उसके स्टूडेंट्स को समझ आ रही है जो वो समझाना चाह रहा है, रादर देन क्लास कंट्रोल पे। ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान रहना चाहिए क्लास कंट्रोल पे बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल टीचिंग जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है, बेसिक एम है एक टीचर का क्लास में आने का। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। नाउ टीचर इज इंटरेस्ट इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रादर ऑन कम्प्लीटिंग द कोर्स। तो एक टीचर को रश नहीं करना चाहिए अपने कोर्स को कम्प्लीट करने में विद इन द डेडलाइन, बल्कि एक टीचर को ये एम्फसाइज करना चाहिए कि वो जितना भी पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट्स को वो फ्रूटफुल रहे उसके स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन वैसे ऑप्शन नंबर बी है आंसर। क्वेश्चन 57 कहता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग एंड रीजन है एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज इसमें से ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं NTA के पेपर में। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसमें आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक, मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ एक क्लास में एंड देन ये टीचिंग प्रोसेस चल रहा है, बट देन मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करती हूँ और उसको बोलती हूँ कि जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आप उसको समराइज करिए एक या दो लाइन्स में। सो दैट इज़ योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, आप उसमें कंटिन्यूस फीडबैक देते रहते हैं, ये एक से ज़्यादा बारी ऑन गोइंग टीचिंग प्रोसेस में होता है। मेरा समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ये एट दी एंड ऑफ द टीचिंग होता है। इसमें जनरली टीचर्स क्या करती है, असाइन करते हैं ग्रेड्स, आपको मार्क्स मिलते हैं, ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल। तो अगर हम असोशन पढ़े तो वो कहता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, तो ये करेक्ट है। सो इट बेसिकली एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ लर्निंग, इसका मतलब है कि फॉर्मेटिव वैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, इसका मतलब ये है मैं अपने फॉर्मेटिव वैल्यूएशन से, फीडबैक से, कंटिन्यूस फीडबैक से जो बच्चों की लर्निंग है उसको
इफेक्टिव बनाना चाह रही हूँ. वेर एज रीजन कहता है बिकॉज समेटिव इवेल्युएशन के अगेंस्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हाईली रिलायबल है. सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज समेटिव इवेल्युएशन भी काफ़ी रिलायबल है बिकॉज आपको मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड्स मिलते हैं, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस का पता चल पाता है. तो ए इज ट्रू वेर एज आर इज फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन 58 कहता है assertion all teaching implies learning or reason है learning to be useful must be derived from teaching. तो assertion कहता है teaching implies learning. obviously कोई भी अगर कुछ समझा रहा है, कोई आपको कुछ पढ़ा रहा है, तो उसका implied meaning क्या है कि वो learning हो रही है. पर रीज़न क्या कहता है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव फ्रॉम टीचिंग, कि लर्निंग आपकी हमेशा टीचिंग से ही आ सकती है. तो ये चीज़ गलत है क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि कुछ कोई समझा रहा है तो आपको तभी लर्निंग हो रही है, आप तभी कुछ सीख रहे हैं. आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, आप अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से भी लर्न कर सकते हैं चीज़ों को. तो ये चीज़ गलत है कि लर्निंग हमेशा टीचिंग से ही आती है. बट ये सही है कि टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग. सो असर्शन इज करेक्ट वेयर एज रीजन इज रॉन्ग. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3 विच सेज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन 59, डिस्कशन इन द क्लास विल बी इफेक्टिव इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज. तो डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन होता है कि आप एक ग्रुप होते हो, ग्रुप फॉर्म करते हो, आपको एक टॉपिक पता होता है और आप वैल्यूएबल पॉइंट्स रखते हैं उस टॉपिक के लिए. तो पहला ऑप्शन कहता है कि नॉट इंट्रोड्यूस. तो ये नॉट इंट्रोड्यूस वाली चीज़ आप बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग में करते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो मोटिव होता है वो होता है क्रिएटिव आइडियाज़ को लाना. बट डिस्कशन का ये मोटिव नहीं होता है. डिस्कशन का मोटिव होता है कि आप सेंसिबल चीज़ों के बारे में बात करिए, आप सेंसिबल पॉइंट्स लाइए एक टॉपिक के लिए, जिससे कि आपकी डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे. तो नॉट इंट्रोड्यूस गलत है. स्टेटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, रिटन ऑन द बोर्ड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इट एंड इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस. तो जो ये डी पार्ट है ये सही आंसर है, इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस. क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे या सिर्फ आप अपना टॉपिक को स्टेट कर देंगे, हो सकता है कि उस ग्रुप में जो फॉर्म हुआ है उनमें से उस टॉपिक के बारे में किसी को कुछ पता ही ना हो या कम पता हो. तो वैल्यूएबल और फ्रूटफुल और एफिशिएंट जो पॉइंट्स है टॉपिक के लिए वो ना आ पाए. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप स्टूडेंट्स को एडवांस में बताएं कि ये टॉपिक है डिस्कशन का और वो अपने पॉइंट्स प्रिपेयर करके आए, जिससे कि वैल्यूएबल फ्रूटफुल पॉइंट्स आ पाए उस डिस्कशन के विद इन. तो क्वेश्चन 60 है, नाउडेज़ द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इज़. तो हमें जैसे कि पता है कि जो ये टीचिंग इन्वायरमेंट है अब वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है. यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. पर हमें पता है कि इफ़ेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग के बारे में जब बात करी जाए तो वो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ ई बेस्ड लर्निंग को ही इम्पोर्टेंस दें. फेस टू फेस लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट होती है और ई लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट होती है. तो ये ई लर्निंग और फेस टू फेस लर्निंग दोनों ही चीज़ें ब्लेंडेड लर्निंग में होती है. सो व्हाट ब्लेंडेड लर्निंग इज, आप जब ई लर्निंग भी लेते हैं, ऑनलाइन भी आप पढ़ना चाहते हैं और फेस टू फेस लर्निंग. सो दैट इज नोन एज अ ब्लेंडेड लर्निंग. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी. सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. थैंक यू.